हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने टेक्निकल पर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मीवी का डुओ पोर्ट K4 आप यूज करते हैं और आपका यह ईयरबड एक साइड का काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपका एक साइड में सुनाई नहीं दे रहा है, या लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, या आपके सामने कुछ इश्यू आ रहा है जैसे कि अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, या पेयर नहीं हो रहा है, या कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा। या बैटरी बैकअप इशू है, यानी कि सॉफ्टवेयर इशू है अगर इस ईयरबड से रिलेटेड, तो उसी को फिक्स करने के बारे में बताऊंगा। और आप देखे भी होंगे कि हार्ड रिसेट का मैं डाला था टाइटल। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, कुछ ऐसे ईयरबड्स होते हैं जो कि हार्ड रिसेट होते हैं, कुछ ऐसे ईयरबड होते हैं जो नहीं होते हैं। तो मैं इसको हार्ड रिसेट करने की कोशिश किया, लेकिन ये हार्ड रिसेट नहीं होते हैं। और फोर्सली अगर बात करूँ इसको पावर ऑफ करने की, तो पावर ऑफ ये नहीं होता है, यानी कि आप इसको टैप किए रहेंगे, यानी कि यहाँ पे टच किए रहेंगे, तो आपका ये डायरेक्ट रीस्टार्ट होगा, यानी कि टच होने के बाद 10 सेकंड तक यहाँ दबाए रहेंगे तो यानी कि रीस्टार्ट होता है, ना कि पावर ऑफ होके ऑन होता है। ओके, तो ऑफ होके ऑन होता ही है। तो कैसे फिक्स करेंगे अगर आपका ये इशू है वन साइड का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको ये हार्डवेयर चेक कर लेना है कि आपका ये सही से प्रॉपर वर्कली है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेना है, ये जो आपका पिन है ये आपका साफ़ रहना चाहिए। अगर साफ़ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका ये ईयरबड चार्ज नहीं होगा, तो जिस वजह से ये आपका डाउन हो जाएगा। ओके, जब आप इसे केस में रखेंगे तो ये आपका अगर एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है तो समझिए कि ये आपका सही से ये नीचे पकड़ नहीं रहा है, यानी कि इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है। तो इसको साफ़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही से, तो मेरा ये सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब भी डाल रहा हूँ तो यहाँ में देखिए ये एलईडी है जो ब्लिंक कर रहा है, ये भी मैं डालूंगा तो ब्लिंक करेगा। देखिए ये डालूंगा यहाँ पर तो देखिएगा ये भी ब्लिंक करने लगा, यानी कि मेरा दोनों ईयरबड सही है। और जब मैं चार्ज करूंगा तो ये ब्लिंक करेगा, इसके साथ साथ मेरा ईयरबड भी चार्ज होगा। और यहाँ पर अगर आपका इंडिकेटर दिया है तो ये इंडिकेटर आपका दोनों जलेगा। ओके, जब तक ये डाउन रहेगा तब तक जलेगा, फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर लो साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, ईयरबड के ऊपर यहाँ पर देखिए कचरा तो नहीं ना जमा है, अगर कचरा जमा है तो इसे साफ़ कर दीजिएगा तो ये आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिएगा दोनों में। और दोस्तों, अगर बात करूँ ये अगर आपका बैटरी नहीं चल रहा है, यानी कि एक डाउन हो गया है, तो आपको यही देख लेना है कि क्या ये सही से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ये नीचे वाला जो है ये पिन साफ़ करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसके सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इश्यू क्या होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए अब जिस मोबाइल से आप इसको कनेक्ट किए हैं उस मोबाइल के ब्लूटूथ वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहाँ पर जैसे ही चले जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका ये मॉडल है K4 है ना, तो इसको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे या मोड पे जाएंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे देखिए इसको पहले सबसे पहले अनपेयर कर देना है, इस पर जाना है और यहाँ पे नीचे एक दिखाई दे रही है अनपेयर्ड, इसको आपको यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से आपका ये दिख जाएगा, यानी कि हट जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो इसको अभी कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है अपने फ़ोन को रीस्टार्ट मार देना है। ओके, मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, वैसे ही फॉलो करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं रीस्टार्ट कर दिया, और कोशिश करिएगा अगर आपका ईयरबड रीसेट हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 3 से 4-5 सेकंड तक आपको दबाए रखना है। ओके, दोनों को, अगर टच कंट्रोल है तो टच किए रहिएगा, अगर आपका बटन वाला है तो बटन दबाए रहिएगा, तब तक आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इन दोनों ईयरबड को सिंपल सी बात है अपने इसके केस में रख देना है, यहाँ पर बॉक्स में रख दीजिएगा और देख लीजिएगा आपका ये चार्ज रहना चाहिए, फुल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर यहाँ वेट करना है, उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे अपना ईयरबड को दोनों को निकालना है। ओके, केस में से, और उसके बाद थोड़ा सा दोनों को पास में ही रखिएगा जिससे कि ये दोनों आपस में पेयर्ड हो जाए। उसके बाद अपने मोबाइल का ब्लूटूथ वाले सेक्शन में चले जाना है यहाँ पर, और फिर से आपको यहाँ पर सर्च मारना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ब्लूटूथ वाले सेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ पर मोड़ पर गया और यहाँ पर सर्च मारता हूँ ये मीवी K4 मेरा शो कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे शो करेगा, फिर इस पर क्लिक करके और फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, पेयर्ड कर देना है। पेयर्ड कर देंगे और उसके बाद अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो दोस्तों आपके साथ जो भी सॉफ्टवेयर इश्यू होगी वो फिक्स हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आपका ईयरबड नया है तो वारंटी क्लेम कर दीजिए, जिससे कि कंपनी वाला खुद आपके ईयरबड को यहाँ से लेकर जाएगा और खुद बनाकर आपको दे देगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।